Students, in this video I will discuss about the hydrogen atom and the expectation values. तो यहाँ पे मैं ground state जो आइगन फंक्शन है हाइड्रोजन एटम का उसके लिए वेरियस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड आउट करूँगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम आपका ग्राउंड स्टेट ऑफ आइगन फंक्शन के लिए ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट होती है साई 100, इसके लिए एन की वैल्यू 1 होती है, एल और एम की वैल्यू दोनों की 0 होती है. ये क्या होती है, रूट पाई ए नोट क्यूब ई की पावर माइनस आर बाई ए नोट. और ये आपका जो आइगन फंक्शन है ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन है, इसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक. सेकंड, हम यहाँ पे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो क्योंकि ये आइगन फंक्शन आपका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में है तो हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू भी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ही रखेंगे. तो एक्स जो आपका होता है वो क्या होता है, आर साइन थीटा कोस फाई. वाई जो आपका होता है वो होता है आर साइन थीटा साइन फाई. और जो जेड आपका होता है वो क्या होता है, आर कोस ऑफ थीटा. ठीक है. तो सिंपली, और आपके जो ऑपरेटर ए हो, किसी भी ऑपरेटर की अगर आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो आपके पास सिंपल क्या होती है, साई स्टार ऑपरेटर ए साई और डी टाउ अपॉन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई स्टार साई डी टाउ. ये आपके पास नॉर्मलाइज कंडीशन होती है क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी नॉर्मलाइज है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी. एक और यहाँ पे जो डी टाउ है ये क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट होता है. तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है डी टाउ क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई. तो ये आपका वॉल्यूम एलिमेंट है. तो सबसे पहले हम एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, 1 अपॉन पाई ए नोट क्यूब. अब यहाँ पे जो आर कोऑर्डिनेट है उसकी वो वेरी करता है आपका 0 से इनफाइनाइट. तो 0 से इनफाइनाइट और थीटा जो आपका वेरी करता है वो 0 से पाई, और जो आपका फाई है वो वेरी करता है 0 से 2 पाई. और ये आपके पास थीटा की वैल्यू है और ये आर की वैल्यू है. ठीक है. और ई की पावर माइनस आर बाई ए नोट. अब एक्स है वो क्या है आपका, आर साइन थीटा कोस फाई इंटू ई की पावर माइनस आर बाई ए नोट. और जो डी टाउ है आपका वो क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, जो आर की टर्म्स हैं उनको आर के इंटीग्रेशन में, थीटा की टर्म है उनको थीटा की, और फाई की जो टर्म है उनको फाई के इंटीग्रेशन में. तो चलिए, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई ए नोट क्यूब. 0 से आर की वैल्यू है वो 0 से इनफाइनाइट है. तो आर यहाँ पे एक आर ये है और एक आर ये है, आर क्यूब हो गया. ई की पावर माइनस आर बाई ए नोट यहाँ पे है, ई की पावर माइनस, तो ये क्या होगा, ई की पावर माइनस 2 आर बाई ए नोट इंटू डी आर इंटू थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई. थीटा साइन थीटा यहाँ पे है, एक साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा है ये. तो ये आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा. और सिंपल जो फाई है आपका, फाई इज इक्वल टू वो 0 से 2 पाई है, और फाई की टर्म यहाँ पे कौन सी है, कोस फाई. तो ये क्या हो गया आपका, कोस फाई डी फाई. आप देखिए, इसको पूरे को इंटीग्रेशन को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में टर्म है. अगर किसी एक भी इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर 0 हुई तो आपकी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो आप देखो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन से देखो, 0 से 2 पाई कोस फाई, 0 से 2 पाई कोस फाई. आपको पता है कोस फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन फाई. और साइन फाई को जब आप लिमिट्स पुट करोगे 0 और 2 पाई, तो साइन फाई आपका 0 पे भी 0 होता है और 2 पाई पे भी 0 होता है. इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी. अगर इसकी वैल्यू 0 आएगी मतलब इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0 हो गई. तो इसका मतलब क्या है, एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास क्या आई है हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन के लिए, 0. सिमिलरली हम वाई की निकालेंगे तो वाई आपका क्या होगा, पाई ए नोट क्यूब. और मैं पहले से यहाँ पे रख रही हूँ, अब की बार आर की टर्म आपकी सेम आएगी, माइनस 2 बाई ए नोट डी आर इन टू थिट्टा है, उसकी टर्म आपकी अब आपकी
क्योंकि वाई क्या है आपका, आर साइन थीटा साइन फाई, तो थीटा की टर्म भी आपकी सेम आएगी, साइन स्क्वेयर थीटा डी थीटा, लेकिन फाई में थोड़ा सा चेंज होगा, फाई के अंदर अब की बार कोस की जगह साइन फाई आएगा, तो ये क्या हो गया आपका साइन फाई डी फाई। अब फिर से हम वही करेंगे, सारे इंटीग्रेशन नहीं फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ एक को ही देख लेंगे, अगर किसी की वैल्यू अगर जीरो हो रही है तो। यहाँ पे देखो इसकी फिर से देखो आप, साइन फाई को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, कोस फाई आएगा, और कोस फाई में फिर से लिमिट पुट करोगे तो फिर से वैल्यू जीरो आएगी आपकी, क्योंकि कोस टू पाई पे भी और जीरो पे भी वन होता है, तो वन माइनस वन आपका क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से वाई की वैल्यू भी आपकी क्या आ गई, जीरो आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे जेड के लिए, वन अपॉन पाई ए नोट क्यूब, और जीरो से इनफाइनाइट आर के लिए सेम रहेगा माइनस टू आर बाई ए नोट, और थिट्टा के लिए जीरो से पाई, थिट्टा के लिए क्या हो जाएगा साइन थिट्टा और कोस थिट्टा डी थिट्टा इंटू जीरो से टू पाई डी फाई। अब की बार इसके लिए जीरो नहीं होगा, ये तो नॉन जीरो ही होगा, लेकिन अब की बार क्या होगा, यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो टू साइन थीटा कोस थीटा आपका क्या हो जाएगा साइन टू थीटा, और साइन टू थीटा को आप फिर से जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा माइनस कोस टू थीटा, और कोस टू पाई की वैल्यू फिर से वन होती है, कोस जीरो की वैल्यू वन, फिर से यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। अगर इस पार्ट की वैल्यू जीरो आएगी तो पूरा आपका क्या हो जाएगा जेड इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स एक्स वाई और जेड तीनों जो ऑपरेटर हैं उनके लिए आपके हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन के लिए तीनों की वैल्यू आपकी क्या आएगी जीरो। तो ये सब था, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो आर है रेडियल कंपोनेंट उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू और मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताऊंगी हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।